बालोतरा से बड़ी खबर, चिकित्सा विभाग की तबादला सूची में गफलत। बालोतरा जिले में लगाए गए 2 CMHO सूची आने के बाद वरिष्ठ डॉक्टर बांकाराम चौधरी पदभार ग्रहण करने पहुंचे। सिंधरी BCMO डॉक्टर उम्मेदराम चौधरी के पदभार के लिए पहुंचने की भी जानकारी। ऐसे में वर्तमान CMHO ताराचंद भी असमंजस की स्थिति में। आखिर किसे करवाए CMHO का पदभार ग्रहण? बालोतरा जिले में 2 CMHO लगाए गए और जैसे ही सूची आई पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच गए, लेकिन यह गफलत का पूरा मामला रहा। ऐसे में वर्तमान CMHO ताराचंद भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर पदभार ग्रहण किसे करवाया जाए। चिकित्सा विभाग की तबादला सूची में यह गफलत, बालोतरा से ये बड़ी खबर। जिले में 2 CMHO लगाए गए और जैसे ही सूची पहुंची तो दोनों CMHO पहुंच गए पदभार ग्रहण करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये गफलत यहां पर रही तो सूची आने के बाद वरिष्ठ डॉक्टर बांकाराम चौधरी भी पदभार ग्रहण करने पहुंचे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी थानाराम माली फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। जी, ये बताएं कि किस तरीके से पूरा मामला रहा और उसके बाद इस पर फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया गया है। हाँ बिल्कुल मनीषा, बता दूं कि देर रात जो चिकित्सा विभाग की जो तबादला सूची आई है उसके बाद जो बालोतरा में CMHO पद पर 2 लोगों को लगाया गया है। जी, तो सुबह डॉक्टर बांकाराम चौधरी जो बालोतरा में वरिष्ठ चिकित्सक है वो पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे। वहाँ जो वर्तमान CMHO जो लगे हुए थे उन्होंने हालांकि उनसे पहले चिट्ठी ले ली है, उन्होंने कहा कि 2-2 अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं तो मैं किसको पदभार ग्रहण करूँ। उन्होंने उच्च अधिकारी को इस मामले को लेकर सूचित किया, लेकिन इस गफलत जो सामने आई है इसके बाद जो वर्तमान CMHO है ताराचंद ने अभी तक किसी को पदभार ग्रहण नहीं कराया, लेकिन अधिकारी दोनों पहुंचे। उच्च अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस मामले पर? हालांकि जो वर्तमान CMHO ताराचंद है वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारी को दी गई है, उसके बाद जो संशोधित आदेश आएगा उसके बाद उनको पदभार ग्रहण करवाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया थानाराम तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो बालोतरा जिले में 2 CMHO लगाए गए, ये गफलत यहाँ पर सामने आई, लेकिन फिलहाल किसी को भी पदभार ग्रहण नहीं करवाया गया। पूरे मामले में आगे पड़ताल चल रही है, उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।